बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर नीतीश सरकार को अभ्यर्थियों समेत विपक्षी पार्टियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इस मामले में सीएम नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के नेतृत्व में सड़क पर उतर कर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ भी यदि बिहार सरकार शिक्षक नीति में एक तो पहले उनको पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए किसी कीमत पर। आप एसटीटी टीएटी का पॉलिसी चेंज करके आप बीपीएससी का रिटर्न एग्जामिनेशन आप ले रहे हैं, तो आपको एक बात बताना होगा कि जो बच्चे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दुनिया का बेरोजगार है उसके साथ इतना अन्याय क्यों। इसीलिए शिक्षक नीति बाहर के लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भाषा उनकी चीजें उनको अधिकार अपने जगह है, लेकिन बिहारियों को कहीं अधिकार नहीं है। इसीलिए बिहार और बिहारी फर्स्ट, बिहार के यूथ बिहार के छात्र के साथ कोई कंप्रोमाइज जीवन में हम लोग नहीं करेंगे, तय इसको ट्रेन और बिहार बंद का भी कॉल होगा। इससे पहले बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जहानाबाद के कल्पा गाँव में पहुँचकर विजय कुमार सिंह के परिजनों से भेंट की। सम्राट चौधरी ने उनके परिजनों को 15 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी की ओर से विजय कुमार सिंह के परिवार को एक छोटा सा सहयोग किया जा रहा है और पार्टी आगे भी परिवार की चिंता करेगी। घर में पीड़ा है, किसी के घर का सबसे वरिष्ठ साथी और परिवार का एक अंग टूट गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों का सहयोग आज जो है इस परिवार से मिला, पूरा शोक में डूबा हुआ परिवार है। और ये दुर्घटना जब इस परिवार के साथ हुआ है तो स्वाभाविक है, बहुत चिंतन है, दुखी है, कैसे जीवन यापन होगा, कैसे आगे चलेंगे। पार्टी की तरफ से हम लोगों का छोटा सा सहयोग किया है, आगे की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी इस पूरे परिवार का करता है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी जहानाबाद के कल्पा गांव पहुंचे और विजय कुमार सिंह के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान संतोष सुमन ने पूरी घटना के लिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार को घेरा। संविधान ने हमको दिया है उस अधिकार का हनन करने के लिए जो सरकार है, जो निरंकुश सरकार है, वो लाठियों से उसको शांत करने की कोशिश करती है। उसी क्रम में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की दुखद जो घटना हुई है उस घटना में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनको मुआवजा सरकार को भी देना चाहिए। हमारी पार्टी के आदरणीय जीतन राम मांझी जी पहले ही बोल चुके हैं कि 1 करोड़ रुपया इनको मिलना चाहिए। सरकार इस छुपाने की कोशिश कर रही है कि ये अपने से इनको गिर गए हैं, गिरने के कारण हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना है और सब चीज़ होना है। और सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन सब जानते हैं, जनता भी जान रही है, सब लोग जान रहे हैं, पुलिस के लाठीचार्ज में इनकी मौत हुई है। बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग जारी है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले पर समझौता नहीं हो सकता, ऐसे में सरकार इस संशोधन को तत्काल वापस ले। वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।